सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आज आप इस वीडियो को देखते रहें। मैं इस वीडियो में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के कुछ ऐसे कमाल के ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में आज तक आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिंगरप्रिंट मोबाइल के सेंसर से आप बड़ी आसानी से अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहो या फिर होम बटन पर जाना चाहो या फिर बैक जाना चाहो या फिर लॉक लगाना चाहो, बहुत सारे ऐसे काम जो आपको बटन से करने पड़ते हैं, फिर उनके लिए आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती है, फिर प्रोसेस करना पड़ता है, वो आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर से भी आप कर सकते हो। दोस्तों, इतने कमाल की ट्रिक्स है फिंगरप्रिंट सेंसर की, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो इस एप्लीकेशन को, इस ट्रिक को यूज किए बिना आप नहीं रह पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल की किसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस राइट कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है फिंगर स्कैनर गैचर। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो इसे ओपन कर लीजिए, 2 MB की एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, डाउनलोड करते ही इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, हमें यहाँ परमिशन दे देनी है। तो सबसे पहले इनेबल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाइट वाइट होगा, तो यहाँ पे हमें एसेसिबिलिटी में इसको परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पे इसको जाके हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं ताकि अपना काम अच्छे से कर पाए। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर को हमने परमिशन दे दी एप्लीकेशन को, इसको अभी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो हम सेटिंग पर जाके आप ये सेट कर सकते हैं कि हमें अगर फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर टच करें तो हमें होम पे आना है, फिर बैक पे आना है, फिर रिसेंट एप्लीकेशन ऑन करनी है, फिर वॉल्यूम या फिर नोटिफिकेशन या फिर लॉक लगाना है या फिर कैप्चर स्क्रीन करनी है, फिर कोई भी एक एप्लीकेशन ऑन करनी है, ये हम सेट कर सकते हैं सिर्फ टच करने से। तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ होम, तो मैंने यहाँ पे होम सेट कर दिया और यहाँ पे फास्ट स्वाइप पे है, मतलब कि एकदम से टच करके हमने स्वाइप से करना है फिंगरप्रिंट सेंसर पे, ताकि हम जब भी कोई फास्टली कोई काम करना चाहें तो हमारा कौन सा काम जल्दी हो। तो जैसे नोटिफिकेशन ऑन करना है, फिर लॉक लगाना या फिर कैप्चर स्क्रीन या फिर कोई भी पार्टिकुलर कोई एप्लीकेशन ओपन करना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जैसे ओपन कोई एप्लीकेशन। तो मुझे यहाँ से कोई एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है ताकि मैं अगर जल्दबाजी में कोई एप्लीकेशन सिलेक्ट करना चाहूँ तो खोलना चाहूँ वो खोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लिया। वाइब्रेशन आप कितने रखना चाहते हो जब भी आप टच करो, तो यहाँ पे हम जितनी रखना चाहते हो रख सकते हैं। और लॉक स्वाइप हम यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं कि हमें अगर लॉक लगाना है तो हम लॉक लगा सकते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी एप्लीकेशन का काम शुरू हो चुका है। अब मैं जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर को अपना टच करूँगा, तो मैं जैसे ही टच करूँगा तो मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा और जैसे मैं स्वाइप करूँगा तो मेरे सामने कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको मतलब आप जो भी सेटिंग करना चाहो सेटिंग कर सकते हो। आपके मोबाइल के बैक में जैसे कि शामी के मोबाइल में पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, तो उन्हें टच करके आप बड़ी आसानी से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप बार बार में आपको बटन दबाना पड़ता है, फिर वॉल्यूम बटन दबाना पड़ता है, फिर पावर बटन दबाना पड़ता है, तो आप बड़ी आसानी से फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हो। तो इसमें आप लॉक भी लगा सकते हो, जो भी आप सेट करना चाहो वो सेट कर सकते हो कि हमें यहाँ पे लॉक लगाना है या फिर पार्टिकुलर कोई एप्लीकेशन है जो कि आपको बार बार खोलनी पड़ती है, फिर वॉल्यूम बढ़ानी कम करनी है, तो जो भी आप सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन मिलता है वो आप यूज़ करके देख सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें, जरूर यूज़ करें। काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन को काफ़ी वर्किंग अच्छे तरह से करती है, जो कि जिस तरह से आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है उसी स्पीड से ये एप्लीकेशन काम कर लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको शायद एप्लीकेशन पसंद आएगी। कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।